तो बिहार का 90% लोग चाहता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। आप देख लीजिएगा, देखिए लोकसभा और विधानसभा दोनों अलग अलग चुनाव होता है, स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ा जाता है। आप देख लीजिए, दिल्ली का चुनाव है, 7 लोकसभा है, वहाँ 7 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को वही जनता वोट देती है और वही जनता विधानसभा में आम आदमी पार्टी को देती है, वही वोटर है। तो विधानसभा का चुनाव और लोकसभा में दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और कि बिहार में बदलाव कीजिए, यदि आप चाहते हैं रोजगार मिले, आप चाहते हैं पलायन बिहार से रोके, तो तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। साथियों, आप देख रहे हैं मधुबनी हलचल न्यूज। इस समय हमारी टीम मौजूद है मधुबनी छात्र संघ के कार्यालय में। आप सभी को मैं जानकारी के लिए बता दूं, छात्र संघ के संघर्ष में हमेशा छात्र संघर्ष समिति मधुबनी जिला के हर एक कॉलेज में खड़ी रहती है और खड़े रहने में एक ब्रांड का नाम आता है, तो छात्र नेता के रूप में संतोष यादव जी का नाम आता है। आप सभी को पता होगा कि आगामी 13 तारीख को तेजस्वी जी का मिथिलांचल के पावन धरती मधुबनी में आगमन होना है। उसी क्रम में छात्र संघर्ष समिति के द्वारा आज एक अहम बैठक रखी गई है, जिसपे आने वाले 13 तारीख को किस तरीके से उनका स्वागत किया जाए और आगे की क्या रणनीति हो, उसके लेके बैठक की गई है। तो आइए यहाँ से जानते हैं संतोष यादव जी से क्या कहना चाहेंगे उस तैयारी को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका मधुबनी हलचल। आपका भी बहुत बहुत स्वागत। क्या कहना चाहेंगे नेता प्रतिपक्ष जी, मधुबनी जिला आ रहे हैं, छात्र के तरफ से किस तरीका से आप लोग सहयोग करेंगे, स्वागत करेंगे उनका? देखिए, बिहार के भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी मधुबनी के धरती पर आगमन करने वाले हैं 13 तारीख को, और 14 और 15 तक रहेंगे, 15 को चले जाएंगे मीटिंग के बाद। तो जब जब तेजस्वी जी मधुबनी के धरती पर आगमन हुआ है, छात्र संघर्ष समिति ने उसका जोरदार स्वागत किया है। इस बार भी तेजस्वी जी का आगमन मधुबनी में होगा तो छात्र संघर्ष समिति का जोरदार स्वागत किया जाएगा। और सभी, आज का मीटिंग बुलाया गया था, एकदम मेन जो संगठन के साथी है, मुख्य साथी है, उसी का मीटिंग था, जनरल किसी का नहीं था। उस दिन तेजस्वी जी के आगमन पर कैसे स्वागत करना है, उसी पर रणनीति विचार विमर्श करने हेतु आज का मीटिंग बुलाया गया है। और बिहार का भविष्य, तेजस्वी यादव जो उन्होंने जो एक पूरा देश में एक संदेश देने का काम किया, जो उन्होंने 17 महीना में 5 लाख सरकारी नौकरी देकर पूरा देश में एक नाजिर मिसाल देने का काम किया है। तेजस्वी यादव ने, याद कीजिए, 2020 में चुनाव में उन्होंने वादा किया था बिहार के लोगों से, हमारी सरकार बनेगी तो पहला कैबिनेट पहला कलम से 10 लाख सरकारी नौकरी देने का काम करेंगे। बिल्कुल। लेकिन चुनाव में उनको 8-10 सीट बेमानी करके उसको हराने का काम किया, नहीं तो तेजस्वी जी मुख्यमंत्री होते। पुनः नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, लेकिन एक घटनाक्रम में 2023 में जो तेजस्वी यादव जी उप मुख्यमंत्री बने, और जब घोषणा किए थे तेजस्वी यादव जी जो पहला कैबिनेट में पहला कलम से हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे, तो यही नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, तो वही कहने वाले हैं कि तेजस्वी यादव अपने बाप के घर से पैसा लाएगा क्या? पैसा कहाँ से लाएगा? वह असंभव है 10 लाख सरकारी नौकरी देना, वो नामुमकिन है। लेकिन जब तेजस्वी यादव के साथ सरकार जो है बनता है, 9 अगस्त को बनता है, और 15 अगस्त को यही गांधी मैदान में नीतीश कुमार जी को घोषणा करवाया जाता है तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू जी के द्वारा, कि हम 10 लाख सरकारी नौकरी देंगे। तेजस्वी जी का जो है अभी आभार यात्रा जो पूरे बिहार भर में चल रहा है, आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर कहे जाए तो ये तैयारी चल रही है। मधुबनी जिला में छात्र युवा के तरफ से अगर एक नाम मसीहा माना जाए उनका, हर कॉलेज के अंदर, हर शिक्षा के जगत में, तो संतोष यादव का नाम आता है। क्या संतोष यादव आगामी विधानसभा चुनाव में चुनाव लड़ेंगे? देखिए, संतोष यादव हजारों आंदोलन किया है, आंदोलन संघर्ष के बदौलत मधुबनी से लेके और अपने नेता तक जगह बनाने का काम किया है। माननीय जो हमारे पार्टी के नेता है लालू जी और तेजस्वी जी का नज़र है हम पर, यदि पार्टी चुनाव लड़ाएगी
मधुबनी जिला के किसी भी विधानसभा से, जो लालू जी को पता है, आदरणीय लालू जी को, जो संतोष यादव का कर्म क्षेत्र एक विधानसभा नहीं है, पूरा जिला है। हर एक गांव में 500,000 वर्कर है इनका, अपना पार्टी के अलावा अपना वर्कर है। तो उनको पता है, पार्टी यदि हमको इस लायक समझती है और चुनाव लड़ाने का काम करती है तो हम इतना बता देते हैं कि पूरा मिथिलांचल नहीं, पूरा बिहार में सबसे अधिक वोट से जीत कर और लालू जी के तेजस्वी जी के झोली में वह सीट दे देंगे, यदि पार्टी उस लायक समझती है तो। तो आपका देखिए, जाति नहीं, हम जमात की बात करते हैं। जिस जगह पर आरके कॉलेज के जगह बैठे हुए हैं, जब से चुनाव हुआ है तब से अभी तक, यूनियन के चुनाव में 6 जिला का यहाँ विद्यार्थी एडमिशन लेता है, सभी जाति धर्म के, लड़का हो लड़की हो, एक एक वोट संतोष यादव के नाम पर देता है, समझ गए। तो हम यहाँ करें आरके कॉलेज नहीं, जेएन कॉलेज हो गया, महिला कॉलेज हो गया, केबीएस कॉलेज हो गया, मधुबनी जिला के तमाम कॉलेज में सीएसएस छात्र संघर्ष समिति का दबदबा बहुत ही मजबूत स्थिति में है। छात्र का कोई जाति नहीं होता है, युवा का कोई जाति नहीं होता है। हम लोगों के साथ जो राहजेरी विचारधारा से अलग भी मेल खाता है, लेकिन संतोष यादव वहाँ खड़ा हो जाएगा तो तमाम विचारधारा को छोड़ के मेरे साथ आ जाएगा, यही इसका अपना व्यक्तिगत पकड़ है। अंत में क्या कहना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से आने वाले जो तेजस्वी जी का कार्यक्रम, उसको लेके जो भी छात्र युवा इस वीडियो को देख रहे हैं, हमारी इस खबर को देख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे उनको? हम तमाम आपके दर्शक से अपील करना चाहते हैं कि नीतीश जी का 20 साल देख लिए, अफसरशाही चरम पर है, घुसखोरी चरम पर है, बिना पैसा दिए हुए एक भी काम नहीं होता है। बदलाव होना चाहिए। तेजस्वी यादव युवा है और कुछ करना चाहते हैं तो एक मौका तेजस्वी यादव को मिलना चाहिए। आप एक मौका देख के देखिए, आप संतुष्ट नहीं होइएगा, आप उनको हटा दीजिएगा, लेकिन यह तो खानदानी नहीं ना है, जो मुख्यमंत्री नीतीश जी बनेंगे, अभी तो यही हो रहा है। आरजेडी से जाते हैं, आरजेडी में आते हैं तो मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, बीजेपी में जाते हैं तो मुख्यमंत्री वहीं रहेंगे, दोनों हाथ में लड्डू। तब तो कहने का यह मतलब है, लोग बदलाव चाह रहा है, लोग सभी जाति धर्म के, बीजेपी वाले ऑफ द रिकॉर्ड पूछिए तो वह नहीं चाहते हैं कि नीतीश जी मुख्यमंत्री बने। तो बिहार का 90% लोग चाहता है कि मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव बने। और हम तमाम आपके चैनल के दर्शकों से अपील करना चाहते हैं कि बिहार में बदलाव कीजिए। यदि आप चाहते हैं रोजगार दे, रोजगार मिले, आप चाहते हैं पलायन बिहार से रोके, तो तेजस्वी यादव को एक बार मौका मिलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो और भी खबरें देखने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, देखते रहें मधुबनी हलचल न्यूज़।